दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को DUSOL का PG कोर्सों का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। DUSOL यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर PG कोर्सेस यानी आपका MA हो गया, MA, MSc और MCOM और जितने PG कोर्सेस हैं इनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको DUSOL से PG कोर्स करना है तो अपना आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरना होगा कंप्लीट जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरकर दिखाएंगे। इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो वेबसाइट रहेगी ये, इसका लिंक मिलेगा आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इस वाले पेज पर आने के बाद में आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा PG एडमिशन, ये लिंक रहेगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप उसको, आप फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करके। अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू BLISC और MLISC और PG कोर्सेज, इन सभी के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यहाँ पर डालना है, एप्लीकेंट्स फुल नेम एज पर क्लास 10th या 12th की मार्कशीट, 10th 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरिएगा। ठीक है, आगे है एप्लीकेंट्स ईमेल, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। आगे है री एंटर एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, दोबारा से अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। पासवर्ड एक यहाँ पर बना लेंगे, पासवर्ड डालेंगे 6 अंकों का। पासवर्ड आप इस तरीके से बना सकते हैं कि पासवर्ड का पहला लेटर लेना है आपको कैपिटल, ठीक है, इसके बाद में कोई भी स्मॉल लेटर ले लेंगे, इसके बाद में कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैज़ स्टार या एट द रेट वगैरह ले लेंगे, इसके बाद में कोई न्यूमेरिक लेटर जैसे नंबर ले लेंगे 1, 2, 3 वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं, अपने नेम को भी यूज़ कर सकते हैं। आगे है री एंटर पासवर्ड, यही सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। आगे मोबाइल नंबर डाल देना है, री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देना है, इसके बाद में ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना है और रजिस्टर वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपको देखेगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, वो यहाँ पर आपको डालना होगा। ठीक है, इसके बाद में ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना होगा और इसके बाद में सबमिट OTP वाले इस बटन पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी जो अपने फॉर्म में डाली है और जो पासवर्ड आप लोगों ने अभी बनाया है वो दोनों यहां पर डालने हैं। इसके बाद में ये कैप्चा कोड जो भी आपके सामने आए वो यहां पर डालना है। इसके बाद में लॉग इन वाले स्क्रीन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉग इन कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाएँ तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी वगैरह मांगी जाएगी, वो डालकर कैप्चा डालकर दोबारा से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अकाउंट वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, आपको आपकी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको दिखेगा कम्प्लीट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में प्रोफाइल डिटेल्स 1 का ऑप्शन आएगा, अदर डिटेल 2 है, फिर आगे है अपलोड का ऑप्शन। इसके बाद में आपको नीचे आना है। अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है। देखिए, फॉर्म में आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर नाम तीन जगह पर हो तो फर्स्ट और मिडिल और लास्ट तीनों डाल सकते हैं। दो जगह पर हो तो फर्स्ट और लास्ट डालना है, बीच वाला छोड़ देना है। एक जगह पर ही हो तो फर्स्ट नेम में ही पूरा नेम डाल देंगे। आगे रहेगा एप्लीकेंट्स जेंडर, यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी जेंडर है। आगे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डाल देंगे। आगे है इस तरीके से, यहाँ पर डेट आपकी, सॉरी यहाँ पर ईयर आपके जो एज है काउंट होकर रह जाएगी। आगे है कैटेगरी, तो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC, सेंट्रल लिस्ट, नॉन क्रीमी या SC, ST, WH, जनरल, जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा एप्लीकेंट्स ईमेल, ये डली हुई मिलेगी, अल्टरनेट ईमेल यहाँ पर डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। आगे फ़ोन नंबर डला हुआ मिलेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, दूसरा मोबाइल नंबर मतलब पेरेंट्स का, गार्जियन का, भाई का, किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं दूसरा, और इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके आगे आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये भी कंपलसरी है। आगे है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इस पर जाकर यस करना है। ठीक है, इसके आगे है रिलीजन, यहाँ से अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। जिस ऑप्शन पर ये
स्टार लगा है, ठीक है, ये कंपलसरी ऑप्शन है, इसको भरना ही पड़ेगा और सही से भरना है, ठीक है, चेक करते रहना। आगे प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, आपका विलेज का क्या है, जहाँ आपकी बर्थ हुई है, तो अपना विलेज, टाउन, सिटी जो भी है जहाँ आपकी पैदाइश हुई है वो डाल देंगे। आगे कंट्री डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। फैमिली डिटेल, मदर्स नेम डाल देंगे, फादर्स नेम, गार्जियन नेम डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। गार्जियन नेम के आगे स्टार नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। गार्जियन नेम में अपनी ब्रदर का नाम डाल सकते हैं। आगे है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये डालना पड़ेगा, स्टार लगा हुआ है। दूसरा मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे है सिंगल पेरेंट, अगर सिंगल पेरेंट हो तो यस, वरना नो। आगे है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कोई भी कोर्स कर लिया आपने, लाइक एज बीए, बीएससी, बीकॉम, अगर एसओएल से ही या फिर किसी और तरीके से आपने इसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद में आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, जो कि आपको मिलेगा रिजल्ट पर, मार्कशीट पर, ठीक है। और यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, एफिलेटेड कॉलेज का नेम डालना है, प्रोग्राम जो कोर्स किया है उस कोर्स का नेम डालना है, और ईयर, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस ईयर में एडमिशन लिया था उस ईयर को डालना है, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस ईयर में रजिस्ट्रेशन कराया था उस कोर्स में, वो डालना है, ठीक है। अगर इस यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स पहले नहीं किया है तो नो पर कर देना है, फिर ये सब चीज़ नहीं डालनी होगी। इसके आगे रहेगा अदर कैटेगरी, पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी से आते हो तो इन में से सिलेक्ट कर सकते हो, फिजिकल, विजुअल, हियरिंग, एनी अदर, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर। आगे है ऑर्फन, अगर अनाथ हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं। आगे है डिफेंस पर्सनल, यहाँ पर भी आप नो लगा सकते हैं, डिफेंस बार्ड में भी आप नो लगा सकते हैं। डीडीसी, सीओएलएसएल, बार्ड क्वाटा, बार्ड क्वाटा से हो तो लगा सकते हैं यस, वरना नो। एम्प्लॉय हो अगर डीयू में तो लगा सकते हैं यस, वरना नो। आप लोग अपने हिसाब से लगाते जाएंगे, ठीक है। आगे है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एम्प्लॉय, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं तो यस, वरना नो। आगे एड्रेस, अपना करेस्पॉन्डेंट एड्रेस डालेंगे, जहाँ पर आप अभी फ़िलहाल में रह रहे हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालेंगे अपना, ठीक है। आगे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में स्टेट आएगा, ठीक है, इंडिया सबसे ऊपर मिल जाएगी। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे अपनी सिटी डाल देंगे, अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे। आगे रहेगा परमानेंट एड्रेस, आपको दिखेगा परमानेंट एड्रेस, क्लिक इफ़ सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर परमानेंट और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस पर टिक लगा सकते हैं, दोनों तरफ सेम एड्रेस फिर हो जाएगा, ठीक है। आगे बैंक डिटेल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफंड इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर आपकी फ़ीस एक्स्ट्रा कट जाती है या दो बार कट जाती है, या फिर फ़ीस कटने के बाद में जो है आपकी फ़ीस पे नहीं दिखाता है, तो रिफ़ंड आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा आपका वापस आ जाएगा। इफ़ यू डोंट हैव योर ऑन बैंक अकाउंट, प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स या गार्जियंस, अगर आपके पास आपका अकाउंट नहीं है तो भाई का या अपने फादर का अकाउंट लगा सकते हैं, ठीक है। अकाउंट लगाएंगे तो अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर में सेम अकाउंट नंबर डाल देंगे दोबारा से, बैंक का नेम डाल देंगे, आईएफएससी कोड डाल देंगे, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन भरिए, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए, फिर इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो सब सेव हो जाएगी, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा अपडेट, होम और नेक्स्ट, अगर इसके आगे है अदर लैंग्वेज वन, तो एक लैंग्वेज का नाम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आप डाल सकते हैं पंजाबी, पंजाबी लैंग्वेज डाल देंगे। अब पंजाबी लैंग्वेज में, पंजाबी लैंग्वेज आपको रीड करनी आती है तो रीड पर लगा सकते हैं, अगर राइट करनी आती है, लिखनी आती है तो राइट लगा सकते हैं, अगर बोलनी भी आती है तो स्पीकिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे अदर लैंग्वेज टू है, एक लैंग्वेज यहाँ पर डाल देंगे और इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, एक लैंग्वेज यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में इनके ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में नीचे आना है, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में अपलोड वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लें, फाइल साइज ऑफ डिजिटल फ़ोटो मस्ट बी विदिन 10 KB to 3 MB लिमिट, 10 KB से 3 MB के बीच में फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो होगी उसका साइज भी 10 से 3 MB के बीच में आप रख सकते हैं। फ़ोटो सिलेक्ट फाइल में जाएंगे, JPEG या JPG फॉर्मेट मांगा गया है,
सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अब मोबाइल फ़ोन से कैसे अपलोड करना है, तो फ़ोटो सिग्नेचर और जितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए हैं सबका फ़ोटो कैमरे से खींच लें। इसके बाद में गूगल पर जाकर या क्रोम ब्राउज़र पर जाकर फ़ोटो रिसाइज सर्च करके इनके साइज़ जितने मांगे गए हैं उतने कर लें। इसके बाद में गैलरी में सेव करने के बाद में सिलेक्ट फाइल में जाकर यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो अब ये फॉर्म जैसे कि ओबीसी कैटेगरी का है तो यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है, ठीक है। अगर आपको फॉर्म ओबीसी कैटेगरी का नहीं होगा तो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके बाद में आपको दिखेगा सबमिट प्रोफाइल का ये बटन, इस पर क्लिक करके अपने फाइल को आप सबमिट कर देंगे, ठीक है, श्योर हैं तो। अगर कोई दिक्कत लग रही है, कोई भी करेक्शन करना हो तो प्रीवियस पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर श्योर हैं तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये आएगा आई डू हियर बाई, इस पर एक बार टिक करेंगे। अब ये ऑप्शन रहेगा फाइनल सबमिट करने वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट, नो मॉडिफिकेशन इज़ अलाउड वंस प्रोफाइल इज़ सबमिटेड। अगर आप अब सबमिट कर देते हैं तो अब कोई ऑनलाइन करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए श्योर कर लें पहले कि आई डू हियर बाई पर टिक करने के बाद में फ़ाइनल सबमिट कर दें। तो मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट करता हूँ। फिर इसके बाद में आपको देखिएगा प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम। अब आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको देखिएगा अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको देखिएगा प्रोग्राम लेवल, इसमें जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा बैचलर यानी यूजी कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी कोर्सेज डिप्लोमा, ये डिप्लोमा के लिए है, और ये रहेगा मास्टर कोर्सेज एमएएमएससी एमकॉम पीजी कोर्स के लिए ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आपको मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके आगे रहेगा प्रोग्राम, इसमें जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर सारे कोर्स मिल जाएंगे, एमए एमकॉम और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी, और शायद यहाँ पर एमएससी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो शायद ये एमए और एमकॉम ही आप एसओएल से कर पाएंगे। तो जितने कोर्स के लिए कर पाएंगे अप्लाई हो पाएगा उतने कोर्स यहाँ पर आ रहे हैं, एमए हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस संस्कृत एमकॉम, ठीक है। इनसे आप एसओएल से कर सकते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। आगे रहेगा सेलेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री, बी ऑनर्स डिग्री, आपके पास जो डिग्री है आप लगा सकते हैं। अगर बैचलर डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो इस पर लगा देंगे, अगर मास्टर डिग्री भी है तो इस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से आपको लगा देना है। इसके आगे रहेगा नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट अदर देन CUET, कोई अगर एग्ज़ाम दिया हो CUET के अलावा नेशनल लेवल का, ठीक है, तो CUET लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल लगा सकते हैं। आगे है स्कोर ऑब्टेंड, तो नीचे के इन दोनों ऑप्शन को छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिया तो नॉट एप्लीकेबल आपने लगा दिया होगा। इसके बाद में आप नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में दोबारा से नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक कर देंगे। आप पर्सन डिटेल टू ऑप्शन वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने भर रखी है वो सारी आपको यहाँ पर शो होगी। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको देखिएगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को नेक्स्ट पर लेके जाना है। अब देखिएगा एकेडमिक डिटेल्स का ऑप्शन ओपन होगा। अब सबसे पहले आपको अपने क्लास टेंथ की इन्फॉर्मेशन देनी है, क्लास टेंथ का पासिंग ईयर आपको डालना है, सबसे पहले किस ईयर में आपने क्लास टेंथ पास किया है। आगे है क्लास टेंथ परसेंटेज, टेंथ की परसेंटेज यहाँ पर डाल देंगे। इफ़ योर मार्क्स इन CGPA प्लीज़ कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट परसेंटेज एज ऑफ योर CGPA स्कोर एंड CGPA स्केल। अगर CGPA में रिजल्ट आता है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इसके आगे रहेगा क्लास टेंथ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस कॉलेज से टेंथ किया है, कॉलेज का नाम डालना है, बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जहाँ से किया है, सब्जेक्ट के नाम डालने हैं, एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम डाल देंगे, ठीक है। आगे क्लास टेंथ डिवीजन, टेंथ की डिवीज़न भी यहाँ पर डालनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट डाल सकते हैं इस तरीके से, फर्स्ट डिवीज़न डाल सकते हैं। आगे है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अब क्लास ट्वेल्थ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, ट्वेल्थ का पासिंग ईयर, ट्वेल्थ की परसेंटेज, CGPA में हो तो परसेंटेज में चेंज करके यहाँ पर डाल देना। आगे बेस्ट ऑफ ऑफ द फाइव सब्जेक्ट, क्लास टेंथ ट्वेल्थ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नेम यहाँ पर डालना है, बोर्ड का नेम यहाँ पर, सब्जेक्ट यहाँ पर, जितने सब्जेक्ट हैं सब के नेम डाल देंगे। आगे है क्लास ट्वेल्थ डिवीज़न, डिवीज़न यहाँ पर डाल देनी है, हैव यू पास्ड क्लास ट्वेल्थ विद मैथमेटिक्स, अगर मैथ थी लास्ट क्लास ट्वेल्थ में तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। इसके आगे रहेगा
क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। अब ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, मतलब ग्रेजुएशन का स्टेटस क्या है आपका, पास है या फिर अपियरिंग में है। अगर पास कर लिया ग्रेजुएशन तो पास लगा सकते हैं, अगर अपियरिंग में है तो अपियरिंग भी लगा सकते हैं। अपियरिंग का मतलब है कि आप लास्ट ईयर में हैं और आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो अपियरिंग में लगा देना है, अगर रिजल्ट आ रखा है तो पास पर लगा देना है। आगे है ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पास्ड, किस ईयर में ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है उस ईयर का, इस ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आगे रहेगा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नेम, तो लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट थी उन दो सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, और बाकी लास्ट टाइम जितनी सब्जेक्ट थी उतनी सब्जेक्ट के नाम डाल सकते हैं। हैव यू पास्ड अपियर्ड अपियरिंग ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर ऑनर्स के साथ में किया है ग्रेजुएशन तो यस करना है वरना नो। आगे है ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड, कौन से यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर SOL से किया हो तो स्कूल ऑफ वुमेन लर्निंग है, अगर इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो अदर पर टिक लगा देना है। अब ग्रेजुएशन नेम ऑफ द अदर बोर्ड, अब उस अदर बोर्ड का नाम डालना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का मतलब जिस यूनिवर्सिटी का उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। अब आगे है कॉलेज का नेम डालना है और कौन सा कोर्स किया है कोर्स का नेम डालना है, BA किया है तो BA डाल देंगे। आगे रहेगा ग्रेजुएशन डिवीज़न, डिवीज़न यहाँ पर डालनी है, परसेंटेज यहाँ पर डालनी है, ठीक है। सब चीज़ डालने के बाद में सेव नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, फिर इसके बाद में आपको नीचे आना है, फिर ये डिटेल आपकी सेव हो जाएगी, आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है, अगले पेज पर पहुंच जाना है। अगला जो स्टेप है वो है अदर डिटेल का, इसमें आना है। अब ये आपका भरा हुआ है, आपको फिर से नेक्स्ट पर जाना है, ठीक है। इसके बाद में अपलोड का, ये भी आपने भर दिया है, आपको नीचे आना है, आप अपने जो है डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं। आपको फिर से अब नेक्स्ट पर जाने से पहले आपको कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट और भी अपलोड करने हैं, ठीक है, जैसे कि आपने फ़ोटो सिग्नेचर और OB सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया होगा। अब इसके बाद में कुछ और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, जैसे कि क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, और जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर PDF फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हैं, JPG और JPEG फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में आप लोग सेलेक्ट करके और अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे, इसी प्रकार से इन डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर। फिर इसके बाद में देखिएगा प्रीव्यू वाला ये बटन, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लेना है। आप प्रीव्यू कर लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है फॉर्म में वो सारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है, एक बार इसको सही से चेक कर लेंगे। इसके बाद में देखिएगा फ़ी पे फी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके अपनी फ़ीस को पे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में पेमेंट वाला ऑप्शन ओपन होगा, इसके बाद में नीचे आना है, नीचे आने के बाद में वेरीफाई द डिटेल्स बाई क्लिकिंग ऑन द चेकबॉक्स, सभी चेकबॉक्स पर आपको इस तरीके से एक बार टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा रहा है कि आपने अपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है या फिर नहीं, तो आपको सब ऑप्शन पर टिक कर देना है, ठीक है। आई डू हेयर बाय पर भी टिक कर देना है। इसके बाद में देखिएगा होम पे लेटर, अगर आप बाद में पे करना चाहें तो बाद में पे कर सकते हैं होम पर जाकर, ठीक है, मेन पेज पर पहुंच जाएंगे, बाद में पे कर सकते हैं कभी भी, अभी पे करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे विल बी एक्टिव सून, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है एक्टिव सून, मतलब कुछ टाइम बाद में दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो है पेमेंट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। जब आप फॉर्म भरोगे तो हो सकता है कि आ रहा हो और पेमेंट आपका आसानी से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटस है फॉर्म का, कंप्लीट द फॉर्म एंड मेक पेमेंट, तो ये स्टेटस हो रहा है, तो यहाँ पर अभी जो है पेमेंट अभी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा फॉर्म भर लें, ठीक है, अगर उसी पेज पर जाना हो तो नेक्स्ट करके आप उसी पेज पर पहुंच सकते हैं। इस तरीके से आपको ये सभी स्टेप कंप्लीट कर देने हैं, तो इस तरीके से आप अपना पूरा कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंड को वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।